गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आपके भाई का पहला वॉइस ओवर वीडियो आ चुका है। आप लोगों को कैसा लगे मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर देना। तो गाइस, फ़िलहाल अभी लिविक खेल रहे हैं और अपन लोग अभी क्रैबग्रेस उतरेंगे। तो अभी क्रैबग्रेस उतरने के बाद कितने एनिमीज़ आए हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन पहले अभी गन्स उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गन्स उठाते हैं। और अभी मेरे को फुटस्टेप आता है तो, और यहाँ पे पास वाले घर में कोई भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको फ़िलहाल पकड़ते हैं। तो गाइस, फ़िलहाल मुझे पीछे से एक बंदा नॉक करता है ओजी से, और मैं अपने टीममेट को बोल रहा होता कि भाई मुझे जल्दी से रिवाइव दो, और मेरा टीममेट मुझे रिवाइव दे रहा होता है, और वो बंदा रश कर रहा है। फ़िलहाल आप नशे देखो भाई के। देख रहे हो भाई के शस से नशे देख रहे हो, मतलब भाई की आंखों के सामने मैं रिवाइव ले रहा हूँ। भाई मतलब फ़िलहाल तो सामने नहीं, वो पीछे था, भाई के आंखों के पीछे मैं रिवाइव ले रहा था, और भाई को दिखाई ही नहीं दिया। भाई ने दो चक्कर काटे वहाँ के, भाई को फिर भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो चाहता तो हमें वहीं पे ख़त्म कर सकता था एक बाड़ी को, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिलहाल उसके बाद यहाँ पे एक दो बॉट पेलते हैं, और मेरा टीममेट बोल रहा होता है मुझे तब कि भाई भाई तू बैंडेड लगा, बैंडेड लगा फिर मर जाएगा। मैंने बोला कि भाई मैं तो बस इसका पेटी बनाऊंगा आज, भाई शस्ते नशे करके आया है तो मैं इसका अभी पेटी बनाऊंगा, फिर बैंडेड लगाऊंगा, हील करूंगा। तो भाई मैं वही करता हूं, और उसके बाद फिर देखो क्या होता है।前方に敵がいるよ。 देख रहे हो, टैलेंट देख रहे हो भाई के, मतलब इतना जहरीला सांप है कि क्या ही बताएं। मतलब पर्सनली मुझे सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इसलिए मेरा टीममेट बोल रहा था मुझे कि भाई तू अकेला मत घुस, मैं आ रहा हूँ, अगर तू वहाँ पे नॉक हुआ तो पेटी डलनी एकदम कंफर्म है, फिर नेक्स्ट मैच खेलना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट मैच में सांपों को पेलना पड़ेगा। और तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ कि रुक, मैं इसको अपने स्टाइल से पेलूँगा। तो मैं घर से दूर गया, रिच में गया, और हाइट से उसको, मतलब उसको मैं आसानी से देख पा रहा था। तो मैं अपने टीममेट से पूछा कि मार दूँ मार दूँ मार दूँ, तो वो बोला कि हाँ मार दे, तो मैंने इसको मार दिया। और फिर क्या है, फिर उसको अच्छे से लूटते हैं, वो फिर अगले लॉबी में सांप बनेगा। फ़िलहाल आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो
सारी जगह। तो गाइज़ यहाँ पे बातें करते करते पीछे एनिमीज़ आ चुके हैं और हम लोग की अभी पेटी बनने वाली थी। और मेरा टीम में इतना बड़ा नूब है कि क्या ही बताए, मतलब सच में नूब है। पहले पहले खेल रहा है, अभी फर्स्ट फर्स्ट खेल रहा है, तो अभी उसको खेलना नहीं आता उतना, सिर्फ रिवाइव देने के लिए रखा हुआ है। और तो फिर देखो कैसे फाइट लेते हैं अभी। नहीं भाई, मतलब ये जो सांप था ना, ये मतलब कतई ही पेटी बना देता अभी अगर मैं कवर में नहीं जाता तब। तो मैं टाइम पे कवर पे चला गया और भाई को अभी डीपी का हेडशॉट दिया और भाई सीधा सीधा भाई की पेटी बन गई और भाई लॉबी चले गए। अब भाई अगले मैच में सांप बनेंगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक दो बॉट की पेटी डालते हैं। और फाइट अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट है, तो ज़रूर देखना। ভাই নেট করবি না বলে দিলাম, ভাই কর আবার নেট করেছি কিন্তু तो गाइज़ यहाँ जैसे तैसे करके मेरा टीममेट कोई तो काम आया। और दो बंदे जो अभी बहुत ज़्यादा नेड कर रहे थे, मेरा टीममेट सिर्फ ये बोल रहा था कि भाई नेड मत करना, नेड मत करना, नेड मत करना। तो गाइज़ नेड करते करते उन दोनों की पेटी बन गई। अब लोग वो लोग फिर अगले मैच में नेट करेंगे। और अभी मैं अगला मैच बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। और तो गाइज़ अभी भी यहाँ पे फाइट ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट जोन यहीं पर रहेगा और यहीं पे रह के हम लोग फाइट करेंगे। तो बस देखना फाइट कैसा लगता है।
तो गाइस वहाँ पे बात करते करते मुझे एक बंदा दिखता है और मैं उसको फटाक से नॉक करता हूँ और गाड़ी लेके निकल जाता हूँ रश करने। और उसको फिनिश करने के बाद उसका टीममेट भी दिखता है और उसके टीममेट को भी वही हालत करता हूँ, मतलब सबकी कत्ते ही पेटी बना दी। और फिर से मैं अपने स्क्वाडर्स में जाता हूँ और वहाँ पे जाके होल्ड करता हूँ कि सामने एनिमीज़ के मतलब फायर के जो निशान हैं वो दिख रहे हैं। और फिर देखते हैं एनिमीज़ कहाँ पे है, कहीं ये भी तो सांप ही नहीं। तुम्हें कौन बोलता गया था? तो गाइज ये पकड़े गए दोनों गिल्ली सूट वाले जहरीले सांप और इन लोगों को पेल के अपन की चिकन डिनर हो गई। और गाइज वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप लोग मेरा वॉइस ओवर फिर से देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के तक के लिए बाय बाय। Carry my heart.